आजकल हर कोई स्लिम और फिट रहना चाहता है। वजन कम करने के लिए लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि रोजमर्रा की कुछ बुनियादी आदतों से भी वजन कम किया जा सकता है। कई लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी दिनचर्या में चाहकर भी इन चीजों को नहीं कर पाते हैं। देर रात तक काम करने और सुबह देर से उठने से दिनचर्या प्रभावित हो जाती है, जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है। तो अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो रोजाना की इन आदतों को अपनाकर भी आप अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वजन घटाना इतना भी आसान नहीं है। इस दौरान हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी से लेकर हेल्दी डाइट और कई अन्य चीजों को ध्यान में रखना होता है। जब हम जिम जाते हैं तो हमें कुछ बातों का एहसास नहीं होता है कि रोजमर्रा की बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे वजन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। वजन कम करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी रोजाना की आदतों पर भी ध्यान देना होगा। इस दौरान आप इनमें से कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर वन, सुबह जल्दी उठकर ध्यान लगाएं। कई लोग ऐसे होते हैं जो देर रात तक जागते हैं और सुबह बहुत देर से उठते हैं। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए 5 से 10 मिनट खर्च करने का प्रयास कर सकते हैं। यह तनाव से राहत देकर दिमाग और शरीर को आने वाले दिन के लिए तैयार करने में मदद करेगा, जो वजन बढ़ने और पेट की चर्बी जमा होने से जुड़ा एक प्रमुख कारण है। नंबर टू, नींबू पानी पिए। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज भी सुबह सबसे पहले नींबू पानी पीने के फायदों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक गिलास पानी गर्म करें और उसमें एक चम्मच शहद के साथ आधा नींबू का रस निचोड़ लें। नाश्ते से पहले इसका सेवन करने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। यह वजन घटाने में तेजी लाने के लिए मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। नंबर थ्री, फाइबर युक्त नाश्ता करें। नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, इसलिए आपको स्वस्थ नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता न करने से मानसिक स्वास्थ्य और इंसुलिन का स्तर प्रभावित होता है। लंबे समय तक नाश्ता न करने से मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम हो सकता है। व्रत तोड़ने के लिए विशेषज्ञ दिन भर की भूख को कम करने के लिए फाइबर युक्त भोजन के साथ शुरुआत करने की सलाह देते हैं। इसलिए सुबह के नाश्ते में एक कटोरी दलिया, अंडा या कोई हेल्दी ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर फोर, नियमित रूप से व्यायाम करें। कई अध्ययनों में सुबह के व्यायाम को वजन घटाने के लिए प्रभावी बताया गया है। दिन के शुरुआती घंटों में मेटाबॉलिज्म तेज होता है और खाली पेट व्यायाम करने से शाम को अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिल सकती है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम होने लगता है और आप दिन भर एक्टिव रहते हैं। इसके बाद हेल्दी वर्कआउट भोजन भी आसानी से पच सकता है। नंबर फाइव, सुबह की धूप में टहलें। सुबह उठकर कुछ मिनट धूप में रहने से भी वजन घटाने में मदद मिलती है। सुबह की धूप में 20 से 30 मिनट तक रहना आपको पूरे दिन तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए काफी है। धूप से शरीर को विटामिन डी भी मिलती है। सूरज की रोशनी को विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन डी आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स परिवर्तन का कारण बनता है और आपको पूरे दिन ऊर्जावान और तरोताजा रखता है। जब आप धूप में निकलते हैं तो आपके शरीर से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। इसका मेटाबॉलिज्म और हृदय स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में आपको दिए गए टिप्स केवल सामान्य जानकारी उद्देश्य से हैं और इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी फिटनेस कार्यक्रम को शुरू करने या अपने आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।